नमस्कार दोस्तों, मैं फूड सूट से आप सभी का स्वागत है। हमारे त्यौहार आ गए हैं, गणपति बाबा का आगमन हो गया है, खुशियों का त्यौहार शुरू हो गया है। तो आइए हम गणपति बाबा को कैसे बरासते हैं वो मैं विधि बता रही हूँ आपको। तो सबसे पहले हम गणपति बाबा के घर घर में बुलाते हैं। तो सबसे पहले आप एक पटा लीजिए, उस पर लाल कपड़ा रखें। लाल कपड़े के ऊपर हमें अक्षत रखना है। अक्षत के ऊपर हमें बब्बा को बिराजना है, यानी हमारे हम बब्बा को बिराजेंगे, यानी उस पे उन्हें बिठाना है। उसके बाद हमें बब्बा को अब हमें नहलाना है। तो सबसे जो हमें कलश लेना है, छोटा से कलश ले लें, तांबे का कलश, और बब्बा को फूल प्यारे हैं तो गेंदे का फूल है, तो हमें गेंदे का फूल उसमें डालना है। इसके बाद बब्बा पे आप हल्का सा अच्छे शीतल जल का छिड़काव करें। और अब बप्पा को हमें वस्त्र पहनाने हैं, यानी हमें जनेऊ पहनाना है। तो आप अब बप्पा को जनेऊ पहनाएं। तो दोस्तों, बप्पा को आप जनेऊ पहना दीजिए। इसके बाद दोस्तों, हमें अक्षत बप्पा के दाईं ओर रखनी है, जिसपे हमें कलश रखना है। कलश को आप कलश पे एक स्वास्तिक बनाएं, स्वास्तिक अच्छी तरह बनाएं, हमें सिंदूर से बना दें या आप हल्दी से बना दीजिए। तो उस पे आप टीका लगाइए। इसके बाद आटी से उसे बांधिए कलश को। हमें इसकी स्थापना करनी है, जो हमारे 13 दिन 10 दिन पप्पा के पास रखा रहेगा, इसलिए हमें उस पे आटी बांधनी है। और अब आम के पत्ते लीजिए। आम के पत्ते 5 या 7 होने चाहिए, या फिर आप 11 रख सकते हैं। तो आप आम के पत्तों को चारों ओर सजा के बीच में एक नारियल रखना है। नारियल पे भी आपको आटी आटी बांधनी है, और आटी बांधने के बाद भी उस पे तिलक करना है, क्योंकि हम क्या बप्पा का आगमन कर रहे हैं और हर चीज हम स्थापना कर रहे हैं अच्छे से, तो हम हर चीज उस पे तिलक करेंगे। तो दोस्तों, आप आटी बांध लें। आटी बांधने के बाद उस कलश को, कलश पे हमें जो आम के पत्तों से हमने चारों ओर आम के पत्ते लगाए हैं, उस पे आप श्रीफल रखें और टीका करें। तो दोस्तों, ये हमारा कलश की स्थापना हो गई, जो हमें बप्पा के बिल्कुल बाईं ओर रखनी है। तो दोस्तों, इसके बाद हमें हमारे बप्पा को फूल बहुत प्यारे हैं, तो फूलों में हमें गेंदे के फूल की माला बनानी चाहिए। अब दोस्तों, हम आरती के लिए थाली सजा लेते हैं। तो थाली में हमें पंचमेवा रखना है, यानी 5 तरह के फल रखने हैं। तो आप मेवे में बादाम रख सकते हैं, मखाना रख सकते हैं, काजू रख सकते हैं, किशमिश रख सकते हैं, मिश्री रख सकते हैं। फलों में 5 फल रख दीजिए, या आपको जो सुविधा अनुसार हो वो रख दें। जैसे मौसम्बी है, नाशपाती है, सेब है, अनार है, केला है। तो दोस्तों, हमारे ये 5 तरह के फल हो गए, यानी पंचमेवा हमें लगाना है। तो हमारे ये पंचमेवा हो गया। गणपति बब्बा को घास बहुत ही प्यारी है, तो हमें वो बप्पा के बगल में हमें घास भी रखनी है। थाली में अब दोस्तों, हमें हल्दी, कुमकुम, अगरबत्ती, अक्षत, और हमें लड्डू रखना है, यानी जो मुगुद, जो भगवान को बहुत ही पसंद है। हमारे बप्पा को मुगुद सबसे ज्यादा प्रिय है, तो आप मुगुद रख दीजिए। आप मिठाई भी रख सकते हैं, आप मिश्री भी रख सकते हैं। और दोस्तों, हमें लौंग इलायची रखना है। दोस्तों, इसके बाद हमें एक पान में एक सुपारी रखकर आप उसे बंद कर दें, लौंग लगा के उसे बंद कर दीजिए। ये हमें बप्पा के चरणों में रखना है। ये हमारे बप्पा के लिए पान, सुपारी का पान हो गया, जो बप्पा को बहुत अच्छा लगता है, तो ये हमने उनके चरणों में रखना है। और दोस्तों, बप्पा के चरणों में हमें गोल सुपारी भी रखनी है। तो दोस्तों, ये हमें बप्पा के चरणों में ही
रखने हैं, तो आप ये भी रख दीजिए। और दोस्तों जो घास है उसे आप बप्पा के बगल में ही रखें। इसके बाद दोस्तों आप फूलों की माला पहनाएं, वो भी गेंदों से सुशोभित होंगे और उन्हें गेंदे बहुत पसंद है। तो दोस्तों इसके बाद माला पहनाने के बाद आप उन्हें टीका लगाएं, हल्दी कुमकुम अक्षत का टीका लगाएं। इसके बाद हमें जो इनका वाहक है यानी चूहा जो गणपति जी का वाहक है, आप उसे भी तिलक कीजिए। हमें इसको भी तिलक करना है। और दोस्तों हमने तिलक कर दिया, इसके बाद हमें पंचमेवा से भगवान के सामने पंचमेवा को घुमाना है। चारों ओर आप अच्छे से घुमाएं, उन्हें अर्पित करें ये चीज। इसके बाद दोस्तों आप एक घी का दीपक लगाएं, घी का दीपक लगा के अपनी थाली में रख लें। और दोस्तों एक हमें दीपक लगाना है जिसे हम 10 दिन के लिए अखंड ज्योत के रूप में रखेंगे। तो आप एक बाई ओर पे बब्बा के अक्षत रखें, उसके ऊपर एक दीपक, घी का दीपक बना लें या फिर आप तेल का भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ हमें ये चीज रखनी शुद्धता का ध्यान। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले दीपक लगा लेंगे बप्पा को। तो आप पूरे 10 दिन के लिए अखंड ज्योत हमें दीपक लगाना है, तो दीपक आप लगा के बाई ओर इस बप्पा के रख दीजिए, ये हमारी अखंड ज्योत हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हमें अब बप्पा की आरती करनी है। तो दोस्तों आपको जो भी बब्बा की सबसे प्यारी आरती लगे आप वो आरती पढ़ें, गाएं दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, और हमारे बप्पा का आगमन खुशी खुशी करें। हमारे बप्पा को उनका आशीर्वाद लें, आपके घर में खुशहाली बढ़े, आपका परिवार सुखमय हो, मंगलमय हो।